लोग बाग मतलब सिर्फ एक एक सरकारी नौकरी आटे तरस रहे छी और आके हर सप्ताह एक नौकरी आ रही छे। एक यहाँ का युवा सु मिला रही छू जो 12वीं फेल हुए और एक साथ 4 सरकारी नौकरी ले ली हो कि थाने अतरी सारी नौकरियां मिल गई है बाहर खूब सारी मिल गई तो अभी भी सब बुरी हुई क्या और भी क्यों मन मचाल तनी। मान ले तो हार और ठान ले तो जीत आकाव चरितार्थ करो जब माँ खाई गांव को एक छोरो अशोक। राम राम सा नमस्कार मैं राजेंद्र निवाणा और थे देख रहे थो राजू का सफरनामा। दोस्तों आज मैं थाने एक यान का युवा सु मिला रही हूँ जो 12वीं फेल हुए और एक साथ 4 सरकारी नौकरी ले ली हो। लोग बाग मतलब एक एक सरकारी नौकरी आटे तरस रहे छी और आके हर सप्ताह एक नौकरी आ रही छे तो आ एक विशेष कहानी से तो आज आप इस संघर्षवरी कहानी पर ही चर्चा करा राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा सबसे पहले तो था कोई एक छोटो शोक परिचय बताओ। मारो नाम अशोक कुमार कुमाऊ छे मनीवाड़ा गांव की नौड़ी डाणी की वंश विहार कॉलोनी रुचो। मारे पिताजी नारू राम जी कुमाऊ छे जो मजदूरी करे छे। मारी मम्मी को नाम किरण देवी छे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छे। मेरे भाई छे बनवारी लाल कुमाऊ जो आरिद्य को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलावे छे और एक छोटो भाई जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करे छे। तो मन ये बताओ कि लोग बाग जद 12वीं में कम नंबर आ जाए छी जदी पढ़ाई छोड़ दी छी ते तो बिल्कुल मैं सुनया कि फेल ही होगा जा और फिर भी एक साथ 30 सरकारी नौकरी आएगी एक बार हम बताओ पहले। ते सही कह रहा जो मैं 12वीं बाद पढ़ाई छोड़ दियो जो। अच्छा पढ़ाई छोड़े बाद में मजदूरी करवा गयो। मजदूरी करवा बाद में एहसास यो कि मजदूरी करवो कतो मुश्किल छे और फड़ो कतो आसान छे। अच्छा। फिर मैं दोबारा से 12वीं को फॉर्म लगायो और थे देखो समय की बात जानो मैं दोबारा 12वीं में टॉप करियो स्कूल के मायने। अच्छा हाँ तो प्राइवेट करे वापस मतलब इस मारा गांव के एक प्राइवेट स्कूल जे विश्व में टॉप करियो 12वीं को। अच्छा और फिर बी के पाची को सफर। फिर बी के पाची को सफर का ही हो मारा साथ का मार्स दो क्लास आ गए होगा जन मैंने बड़ी गलानी महसूस होची यार आपने साथ का तो दो दो क्लास आ गए होगा मैं बाकी सामान्य जा भी कौन सको जो। अच्छा तो मैं सोची यार अब सरकारी नौकरी लाग जावा तो सारे काम बराबर हो जाए तो फिर बाद में राजस्थान पुलिस की तैयारी करियो भी मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न पास कर लियो। फिर मैं दोनों फेल हो गो फिर दोबारा तैयारी करियो फिर रिटर्न पास हो गो फिर दोनों फेल हो गो फिर मैं पटवारी प्री पास करियो फिर मैं एक स्कूल में जाए जो भी स्कूल में नेट के बारे में पता चलो ये आदमी नेट के ले जाना कॉलेज प्रोफेसर बन जाए कॉलेज में लेक्चरर या बात है 2015 की। अच्छा जब मैं 2015 में नेट के बारे में पता चलो तो बा मेरा सवार होगी कि अपन नेट ही करनी। 2015 में एमए शुरू करियो और एमए 2017 में करियो 2017 से फिर मैं 2019 में बीएड करियो या 4 साल में नेट कलाओ का कोई फर्क नहीं पड़ो। अच्छा और आ 4 साल में फेल हो नेट में 6 बार। अच्छा नेट में 6 बार फेल हुआ 6 बार फेल हो फिर बीएड की साथ साथ मेरी साथ ही भर में नेट होगी। फिर मैं जना पाचे और भी एग्जाम दियो जिम्मे मैं सीटेट की एग्जाम दियो नवोदय विद्यालय की दियो फर्स्ट ग्रेड की दियो नेट की दोबारा दियो एक कोई इंटरव्यू चो वो भी दे रहे हो तो वह माँ बाप में सारा में फेल हो गो। अच्छा तो फिर वापस तो निराशा को नहीं गए। निराशा तो आई एक दिन की बात बताऊं था ना कि मैं एक बार मारी मम्मी किचन में काम करी थी अचानक रो बाली की। अच्छा। मम्मी का ही बात ही क्या रो रही थे तो मैं एक ही कि तू जो एग्जाम दे भी मैं फेल हो जाए। अच्छा वो मन तो गजब मोटिवेशन लागो कि आप एक दिन यानो मिलेसा कि आप जो एग्जाम दे ला बाप पास कर सा पास करा ला और अब मैं बीच में टोक रियो छु कि अब बाकी 22 स्थिति आ चुकी कि जत्री एग्जाम दिया जी बाम सब में पास कर रिया जी पास ही नहीं एक अच्छी रैंक ले रिया जी लगभग टॉपर। हाँ एक थे समय की विडंबना मानो कि समय समय की बात से एक समय में एक सीटेट जो बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम आओ जे बिम फेल हो जो जो नेट में पास कर लियो जो दोबारा दियो फिर दोबारा फेल हो गई मान है। और आज समय की यानी बात से कि मैंने विश्वास नहीं होते कि एग्जाम पास कर ला बिम में टॉप कर जाऊं जो तो एक मान एक समय की बात से देखो। तो अच्छा अब मन ये बताओ जो अभी आप 4 सरकारी नौकरियां की बात करें जो अभी थाने एक साथ मिली थी तो वे कौन कौन सी थी। जब मैं दो तो फर्स्ट ग्रेड जे एक संस्कृत डिपार्टमेंट की जिम्मे मैं 12वीं रैंक प्राप्त करियो और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मे मैं ऑल ओवर राजस्थान में 90 रैंक प्राप्त करियो। अच्छा और एक थर्ड ग्रेड होगी जिम्मे मैं 4,441 रैंक प्राप्त करियो और एक सेकंड रैंक होगी जिसको फाइनल रिजल्ट आओ बाकी से जिम्मे मैंने विश्वास से की हो जाना चाहिए आप लोग। तो देखो आ एक गजब की बात है कि जिंदे आज युवा मात्र एक सरकारी नौकरी आटे तरस रहे थी और अब आर्मी की जो आकर हर सप्ताह एक नौकरी आ रही है
तो ये बताओ कि जब थाने हर रिजल्ट आवे जे बीमी ते पास हो जाओ जो पहले से ही कॉन्फिडेंस है या रिजल्ट आया पछी? देखो साची बात है कि रिजल्ट आया पछी विश्वास कोनो है कि मैं पास किए होगो चाहिए के हां लेकिन फिर बाद में सोच छी कि बार लगातार जो मेहनत करी ना वी को फल जो अच्छा ते था कि जो जर्नी री बीका बार हमें भी बता दिया तो मेरे एक सवाल आ रहे हो जो कि थे मतलब सफलता पर सफलता पाया जा रहा छो तो इस सफलता को राज का ही से मतलब था ने क्या है परीक्षा पास कर रहा छो? देखो जी सबसे पहली बात तो यह छे कि माँ बाप की प्रेरणा और गरीबी अच्छा जो मैंने मोटिवेट करी कि मैंने लगातार मेहनत करनी चाहिए और वह मेहनत जब तक करनी चाहिए जब तक मैं सफल ना हो जाऊं तो भी मेहनत के लिए मैं सुबह 3 बजे उठतो और रात में 11 बजे तक पढ़तो मैं। अच्छा। एक बीच में मेरा और दिनचर्या करतो दिन में एक आधी घंटा सो भी जातो। तो था कि पढ़ाई जी मैं सुने कि कोचिंग में भी गुन गया तो एक बार हम बताओ। देखो जी कोचिंग में तो कहीं से मारा एक बहुत अजीज मित्र थे बद्री जी यादव जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर थे पहले एक्स आर्मी मैन जा वे मैंने एक जीत सर को ऐप दिलाया जा जो मैं कोर्स पढ़े और मारा जीत सर मैंने बहुत बढ़िया तरीका से पढ़ाया बढ़िया डिटेल से सभी स्टडी कराया और ई लेवल की तैयारी करवाया कि पेपर था ना कसो भी आ जाए थे भी पेपर ने हैंडल कर लियो टेस्ट पेपर भी सोल्व करवाया तो हमारी बढ़िया तैयारी हुई भी। तो मतलब थे घर आने बेटियां ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है सारी सफलता प्राप्त कर रहे हो? हाँ मारो सबसे बढ़िया साथी से मारो मोबाइल। अच्छा। जो मैं भी मोबाइल से खट्टे भी पढ़ाई कर लियो आतो जातो खातो पीतो कंडी में पढ़ाई कर लियो। देखो आ एक विशेष बात बताया जी मोबाइल ने लेर आप अक्सर बात करा था कि साहब वो मोबाइल का यागो आजकल तो पूरी पीढ़ी नहीं खराब कर दियो लेकिन ए पहला आदमी मैंने मिले जी जो आपको सफलता को सिर्फ मोबाइल ने दे रहे थे इंटरनेट ने दे रहे थे तो आप भी एक बढ़िया बात है कि ते मोबाइल को सही इस्तेमाल किया कर सको छो गजब की बात बताया सोख जी आते क्योंकि आजकल को युवा मोबाइल से बिगड़ रहे इका बार हम कहीं खिरे थे। देखो या तो मोबाइल ने यूज करवा की बात है एक माने सही भी चीज आवे गलती भी आवे बात तो आपने ऊपर से बिना आप का तरीका से काम में ले जा। तो अशोक जी था को सफर भी बता दिया और था कि सफलता को राज भी थे बता दिया अब मन यह बताओ कि इस सफलता के पीछे जो संघर्ष भरी कहानी वे जो था को संघर्ष है वो भी बताओ। देखो संघर्ष की बात है बतावा की 2019 सब ठीक ठाक चल रही 2020 में अचानक पिताजी का टेका वो अच्छा बी टाइम वाले दादी कैंसर हो गो तो बन दवाई दिवाओ काम पैसा की दिक्कत तो बी टाइम वाले मारा एक तो दोस्त बहुत बड़े काम आया मैं मारे दोस्ता को जिंदगी भर शुक्र गुजार हूँ ला कदे भी मारे जिंदगी में ऐसा एहसास न हो न कदे बन भूल बचाऊ मैं और जब दादी ने दवाई दिवाओ जातो या दादी को सर दावतो या पैर दावतो तो मैं एक हाथ से सर दावतो और एक हाथ में मोबाइल फड़तो जब मैं पिताजी ने दवाई दिवाओ जातो तो गाड़ी में जा रहे थे तो फड़तो ही जातो जब पिताजी जब डॉक्टर हॉस्पिटल भर्ती जा तो मैं हॉस्पिटल में बैठ फड़तो तो आप मतलब भाई ना कौन कर सका कि मेरे पिताजी बीमार होगा जा मेरी दादी बीमार होगी जी कारण मैं फड़ कौन पायो मतलब काम करोड़ो आदमी क्या भी कर जाए। तो आजकल युवा के एक बड़ो सवाल रहे से जो नौकरी की तैयारी करी जी बाकी लिए कि मैं पढ़ाई किया करा पढ़ाई करवा को सबसे बढ़िया तरीको कौन सो से वो बताओ। देखो मारे अनुसार तो पढ़वा को तरीको सबसे बढ़िया है कि थाने पहली बात तो कोई भी नौकरी है जो भी को सिलेबस देखो और भी सिलेबस का मायने थे या देखो थाने कौन सा टॉपिक नहीं समझ आ रहे भी टॉपिक न थे मोबाइल से पढ़ लिया यूट्यूब पर खूब आजकल बढ़िया बढ़िया मास्टर जी जो बढ़िया पढ़ाऊ जी फिर भी पढ़िया पास थे किताब से भी चैप्टर न पढ़ो मैंने पढ़िया पाज भी का थे क्वेश्चन आंसर देखो कि क्वेश्चन आंसर कहीं कहीं आएगा इस वीका मतलब और मतलब पिछली एग्जाम में और नया क्वेश्चन कहीं बढ़ सके फिर भी का बाद थे जब भी का टेस्ट वो टेस्ट देवा को यो फायदो छे कि एक तो थन दो बात नहीं जान मन में ले ली टेस्ट क्या ऑनलाइन ही टेस्ट ऑनलाइन दे सकते या ऑफलाइन दे सको तो किताबा भी आवे छे तो टेस्ट जो टेस्ट देवा थाने दो बात नहीं जानवन मिली था कोई कंफ्यूजन थे वो भी क्लियर हो जाए लो और था कि भगवान कमी पतो चल ली यदि थान था कि कमी पतो चाल गिर थे बामे सुधार कर लिया तो जे मटकी कमान छेद से भी छेद न भर दिया तो था को मतलब मटकी भर जा लिया और थे टॉप भी कर जाओला भी में कोई मतलब सक कोने कर। अच्छा आजकल लाइब्रेरी में फटबा को और कोचिंगा में फटबा को भी एक चलन बढ़ रहे हो छे तो मान लो जी कोई गन पीसा न छी तो आके अलावा भी फटे हो जा सके जी जी एक था को उदाहरण से। हाँ बिल्कुल फटे जा सके जी जी मैं एक मार दादाजी कमरों बना गया था जिनमें कुटिया का नाम से बोला जाए मैं भी मैं रेर फटियो एक मारा दोस्त था जो मैं पेट पर रेर फटता
एक मारा दोस्त जो मतलब पहाड़ में जा फड़ता तो वहाँ कोई जरी को ना लाइब्रेरी में फड़ो। और मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी तो ओपन स्कूल की बात करे, जब तो कोई बिल्डिंग में उनकी बात कर तो वो तो फड़वा को मन चाहे जाए था कि लगन चाहे जाए थे कंडे पढ़ सको, थे वॉशरूम में पढ़ सको, थे किचन में पढ़ सको, थे चलता भी पढ़ सको जो और थे खटे भी पढ़ सको जो। अच्छा मेरी पर्सनल सोच अगर मैं बताऊं तो मन यह लगे कि सरकारी नौकरी सब कुछ कौन है, बी के अलावा भी बहुत सारा क्षेत्र सी जहाँ मैं आज का युवा काम कर सकी सी, तो एक बारा में था कि कहीं सोच था कि सोच मैं बिल्कुल एग्री छू। और सरकारी नौकरी बिना करनी चाहिए जी की पढ़ाई में रुचि है जो 4-5 साल लगातार पढ़ाई न दे सके और भी कलाओ जी थकड़ो काम ही मैंने बहुत बढ़िया लागो और भी देखा मैं आस पड़ोस में कारीगर को काम करे जी मैं भी बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा जी और जी हमारा पड़ोस में अकाउंट्स को काम करे जी नया नया छोरा मैं भी बढ़िया काम करे जी और बढ़िया पैसा कमा रही जी कम उम्र कमाए नहीं तो रुचि के अनुसार काम करो। यदि था पढ़ाई में रुचि है सरकारी नौकरी तैयारी करो और था कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रुचि है या बिजनेस के क्षेत्र में रुचि है तो भी में काम करो। सफलता हर मजे बात था पर ऊपर से कि थे बिना क्या प्राप्त करो। तो सरकारी नौकरी सब कुछ को न सरकारी नौकरी अपनी लाइफ को एक हिस्सा है सके जे पूरी लाइफ सरकारी नौकरी को न क्योंकि आपा और दूसरा क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया काम कर सका था। एक चीज और बताओ कि था ना अतरी सारी नौकरियां मिल गई बाहर खूब सारी मिल गई तो अभी भी सब बुरी हुई क्या और भी क्यों मन में चाल तनी? देखो जी मन में तो छह हाल था 2015 से मैं जो नेट की तैयारी करे नेट की तैयारी ये वजह से करे कि मैं एक दिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनू। 2021 में भी मैं भी कोचो में और वापस आई जाए तो मैं चाहे जो भी की तैयारी करी चु और मैं उम्मीद रखू चु की अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊ तो फिर बाद मारो काम कम्प्लीट हो जाए नौकरी को। तो देखो अभी आके एक इच्छा बाकी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाओ मतलब आने आसपास का लोग कहना चाहिए प्रोफेसर साहब जब थोड़ी सी दिल में ठंडक आवली। अच्छा एक लास्ट सवाल था कि साथ का युवा जो अभी संघर्षरत कर रहे थे जो सफलता को प्राप्त कर पाया मतलब सरकारी नौकरी को लाग पाया बन का ही बोचाओ जो देखो बाकी लिए एक बहुत ही जबरदस्त शब्द है धैर्य थोड़ो धैर्य रखो और धैर्य के साथ थोड़ा पढ़ाई में तरीका में बदलाव लाओ और डिटेल से चीजें पढ़ो क्वेश्चन आंसर करो टेस्ट सीरीज दो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और साथ साथ दो चीजों को और ध्यान रखो मानसिक और शारीरिक रूप से ताकि हेल्थ को ध्यान रखो और जब भी पेपर दे वो जाओ तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे रहा हो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे रहा हो बढ़िया तैयारी हो ली तो सिलेक्शन श्योर हो लो। तो अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था जब आका सारा परिवार वाला करने से जो एक जगह बैठे जी सुबह सुबह तो आपा बाने भी पूछा था कि आने कतरी खुशी हुई। राम राम जी। राम राम जी। तो ये बताओ कि अशोक को अतरी सारी नौकरियां में एक साथ नंबर आ गो तो थाने कतरी खुशी हुई? हाँ तो बहुत भाग्यशाली है माँ को भी रोशन का नाम कर लो मैं आई चाहवा था कि आगस वो आगे उन्नति करे तो मतलब हाल तड़ी सबूरी हो ना 3-4 नौकरी आएगी तो भी है सब पूरी तो है नौकरी तो एक ही होली कोई सी भी करे कोई सी भी करे हो जाए 5 आवे नौकरी एक ही होली। तो इंडी ने अशोक जी का पिताजी बेटे जी आप आंसू भी बात करा था राम राम जी। राम राम जी। हाँ ने कशोक लागे हो ठीक से कतरी की मिठाई बांट दी आप तड़ी बाढ़ दी और बाढ़ डाला मने लागे से 101 किलो तो बाढ़ दिया भी लाया क्योंकि नरा दिना से बिठाया को दौर चाल रहे से। तो आज है सफलता की खुशी जो मतलब खुद ने ही नहीं पूरा परिवार वाला ने पूरा गांव वाला ने मिले से एक साथ और इंडी ने एक और ताऊ जी सी जो हुक्को पीरे से तो ताऊ जी था ने कतरी खुशी हुई जितने पहली बार सुनिया बहुत खुशी हुई बहुत खुशी हुई है 2000 रुपये की मिठाई बांटी 2000 खेरे जी 2000 रुपये की मिठाई बांटी और ये हुक्का को कसब और भी ज्यादा बट गोलो है। देखो परिवार की और था मायने गीत गारी जी खुशी का गीत गाया जा रहे थी और आज पहलो न्योर तो भी से तो मायने देवी देवता का गीत गारी जी आगे मम्मी जी ताई जी वे तो आप बासु भी बात करा था अच्छा मैंने ये बताओ कि जब अशोक नौकरी लागे हो तो देख कतरी की मिठाई बनाया कराने जी ने तो बहुत ज्यादा मिठाई बनाया था चूरमू बनाया और क्यों चूरमू दाल बाटी बालाजी का भोग लगाया और लाड्डू बाटिया खूब सारा अच्छा लाड्डू बाटिया मिल वाला कतरा खाया मिल वाला तो पूछे मत खूब आया अच्छा खूब आया के सुने जो आया सुने जो आया गिफ्ट ले ले आया गिफ्ट ले ले रहा है। तो इंडिया आसम में अशोक की मम्मी भी बेटी जा आप बासु भी बात करा था मन ये बताओ कि था अशोक की उम्मीद थी कि भाई नंबर आ जाए लो उम्मीद तो बहुत दिन से लगा हुआ बेटा जा और जिससे परीक्षा दे रहा है जैसे भी का पापा देखा जा रोजी ना
और भी मैं पेपर में काट लेता भाई चलो अब नंबर तो आज ही अशोक जी की संघर्ष भरी कहानी आ कहानी सुन रहे थाने कसोक लागो माने जरूर कमेंट्स कर बता जो और अगर वो वीडियो थाने पसंद आए हुए तो इन्हें लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए ते देखता रहो राजू का सा परनामा राम राम सा राम राम।